हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए सबको, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाएं। आज के क्लास में जो है हम लोग स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, सभी लोग आ गए। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव में जो मेन पार्ट होता है, मेल का मेन पार्ट कौन सा होता है? कलर कौन सा ले ले? चलिए ग्रीन लेके समझाते हैं थोड़ा। ये जो टेस्टिस है ना, यही होता है मेन। मेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? टेस्टिस है फ्रेंड्स। ठीक है, टेस्टिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है गेमिट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गेमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन जो है टेस्टिस कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन क्या कहलाता है? टेस्टिस कहलाता है। ठीक है, टेस्टिस को हिंदी में जो है क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। वृषण, ठीक है। इसका जो शेप होता है कैसा होता है? अंडे आकार का होता है, यानी कि ओवल होता है। ठीक है, ओवल शेप होता है। ठीक है, इसका साइज जो होता है, साइज कितना होता है? 5 cm जो है वो लंबाई होती है, और चौड़ाई जो है कितनी होती है? 2.5। ठीक है, 2.5 cm इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे कि टेस्टिस में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। टेस्टिस में किस सेल में होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो टेस्टिस में होता है। ठीक है, टेस्टिस में होता है तो कैसे होता है, वो सारी बातें आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दूसरे जो स्लाइड है वो लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। जैसे कि आप एक देख सकते हैं, ये वाला जो है, ये पार्ट को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है टेस्टिस है। ठीक है दोस्तों, टेस्टिकल्स बोलते हैं इसको। और ये जो ऊपर में चिपटा हुआ भाग है, इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये चिपटा वाला भाग में क्या होता है? स्पर्म जा कर के, जैसे बनने के बाद टेस्टिस में अगर बनता है तो, चलिए इसको हम दूसरे फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे फिगर में हम समझते हैं अच्छे से। चलिए, दूसरा फिगर भी मैंने आप लोगों के लिए ले लिया हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 50% पर से काटिएगा लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक है, तो वो भाग है ये टेस्टिस का। टेस्टिस का ये भाग जो है, ये वाला जो एक कुंडली देख रहे हैं आप, ऐसे लेसन ऐसे लेसन ऐठा स्प्रिंग देखते हैं, स्प्रिंगों को बोलते हैं कुंडलित। ये कुंडलित भाग जो है, ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स वाला जो सेल है, इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पूछेगा स्पर्म फॉर्मेशन किस सेल में होती है, तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। किस में होती है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। ठीक है दोस्तों, और ये है ट्यूनिका एल्वोजीना। ट्यूनिका एल्वोजीना क्या है? इसके आउटर लेयर है। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूबल्स में से भी दो पार्ट निकल जाते हैं। कौन कौन से निकल जाते हैं बताइए, जिनको पता है? एक निकल जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, TOGINA, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और दूसरा निकल जाता है सर्टियोलिक सेल। आप लोग सुने होंगे पेड ग्रुप में जो हम करवाए थे क्वेश्चन क्यूज में, कि व्हिच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ठीक है, तो जर्म सेल को न्यूट्रिशन जो है कौन प्रोवाइड करवाता है? तो यही सर्टियोलिक सेल प्रोवाइड करवाता है, सर्टियोलिक सेल। ठीक है दोस्तों, सर्टियोलिक सेल प्रोवाइड करता है। और स्पर्म कहाँ बनता है दोस्तों? सेमनीफ्यूरस ट्यूबल्स में। ठीक है, स्पर्म यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, स्पर्म बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? स्पर्म आ जाता है इसमें एपिडिडाइमिस में। ठीक है, मैच्योर होने के लिए यहाँ आकर के जमा हो जाते हैं। इसमें जो है इनको सर्टियोलिक सेल के द्वारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो अब जो है एपिडिडाइमिस का तीन जो है पार्ट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू उसके स्ट्रक्चर, यानी कि ऊपर वाले जो पार्ट है इसको बोल दिया गया हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है, मिडिल वाला, इसको बोल दिया गया बॉडी एपिडिडाइमिस। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोल दिया गया? टेल एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये तीन पार्ट इनका हो गया। और
आपसे पूछ देगा कि स्पर्म का मैच्योरेशन किस पार्ट में होता है, दे देगा आपको टेस्टिस। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एपिडिडाइमिस। और ये वाला, ये नली जो देख रहे हैं, ये नली, ये हो गया आपका वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस में होता है, किस में होता है, ये आपसे पूछ देगा। तो आपको याद रहेगा कि कौन से पार्ट में होता है, यानी कि स्पर्म जो होते हैं मैच्योरिटी किस पार्ट में प्राप्त करते हैं, तो ये इसी पार्ट में, एपिडिडाइमिस वाले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, मैच्योर हो गया। जब इजाकुलेशन होने लगा तो यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन आई कि स्पर्म को अब चलना है। तो फिर क्या होता है, स्पर्म जो है वास डिफरेंस से होते हुए चलते हैं। तो हम दूसरे फिगर में पढ़ेंगे कि कैसे ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि स्पर्म अगर एक टाइम इजाकुलेट होता है, ठीक है, जैसे मास्टरबेशन के थ्रू भी इजाकुलेट होता है, सेक्स के द्वारा भी इजाकुलेट होता है, यानी कि स्पर्म का निकलना ही इजाकुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर एक बार इजाकुलेशन होती है तो कितना ml निकलता है, 3.5 ml सीमेन निकलता है। सीमेन क्या होता है, स्पर्म और प्लस में फ्लूड, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं हिंदी में, स्पर्म और प्लस में प्लाज्मा मिलते हैं, तो दोनों को क्या बोला जाता है, सीमेन बोला जाता है। इन सबको अपने कॉपी पे नोट करते चलिए। ठीक है, तो एक बार जब इजाकुलेशन होता है तो कितना ml सीमेन निकलता है, 3.5 ml सीमेन निकलता है। और 1 ml, ठीक है, 1 ml सीमेन में जो है कितना स्पर्म होता है, 120 मिलियन सीमेन जो है, सॉरी, स्पर्म होता है 1 ml सीमेन में। अब आप जोड़ सकते हैं कि कितना जो है एक बार इजाकुलेशन में कितना स्पर्म निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और स्पर्म को बनने में कितना टाइम लगता है, तो स्पर्म को बनने में जो है 74 डेज लगता है। ठीक है, 74 डेज लगता है, ये नहीं कि आज बना तो अब 74 डेज के बाद बनेगा, वो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया सेल का जो है टाइमिंग जैसे ही आते जाता है, प्रत्येक दिन बनते रहता है। ठीक है, प्रत्येक दिन वो 74 दिन का कार्यक्रम चलते रहता है, वो प्रत्येक सेल का 74 दिन का कार्यक्रम होता है, ना कि पूरे बॉडी में। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, इस बीच में तो फिर जो है स्पर्म ख़त्म हो जाएगा, अगर यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया, या इजाकुलेशन हो गया किसी भी दौरान, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो प्रत्येक 74 दिन में बनते रहता है, वो जो होता है 74 दिन टाइमिंग, वो प्रत्येक जो है इस सेल का टाइमिंग होता है, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया का टाइमिंग होता है, ना कि पूरा स्टेस्टिस का। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी जो यह है खाली नहीं होता है, ये ओवर फुल रहता है। ठीक है, ओवर फुल रहने के कारण जो है, जिसका मान के चलिए मास्टरबेशन नहीं होता, ठीक है, मास्टरबेशन नहीं होता तो नाइट के टाइम में ऑटोमेटिक फॉलिंग हो जाती है, जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वो जैसे कि ओवर फुल हो गया तो इसके वजह से वो निकल गया। अगर एक एक क्वेश्चन यहाँ से आती है कि मास्टरबेशन जो है कितना ज़रूरी है, तो देखिए अगर वीक में जो है एक बार दो बार हो जाती तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल फिजिकल बॉडी के कार्यक्रम है। ठीक है, अगर आप जो है दिन में 10 बार 15 बार करते जा रहे हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा। ठीक ना, चलिए अब आगे समझते हैं कि ये स्पर्म तो बन गया है, फिर स्पर्म जो है ऊपर पास कैसे होगा, फिर यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रा जो है पेनिस के द्वारा जो है फीमेल के वेजेना में कैसे जो है इंटर करेगा। तो चलिए आगे समझते हैं। तो आगे जो है एपिडिडाइमिस, आप लोग देखें, चलिए इस फिगर के द्वारा समझते हैं। जैसे ये फिगर हो गया, इस फिगर को हम जो है साइड में रखे रहेंगे। ठीक है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, चलिए अब इसमें समझते हैं। ये हो गया आपका टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के बगल में ये जो है घोड़े की नाल की संरचना। अच्छा, घोड़ा में नाल ठोकते कोई लोग देखे हैं आप लोग में से, जो लोग गांव से डिपेंड करते हैं वो लोग देखे होंगे अक्सर। पहले जो है घोड़ा के पैर का जो संरचना होता है ना, उसी आकार का लोहे का जो है पत्थर, एक मोटा सा होता है लोहे का, वो अलग टाइप का होता है, वो ठोक दिया जाता है, ताकि कहा कि घोड़ा तो रोड पर भी चलती है ना, सड़क पर भी दौड़ता है, तो उसके जो वो पैर का जो वो हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला, वो ना ख़त्म हो जाए, इसके लिए क्या करता है, लोहे का एक पत्थर जो है इस टाइप से उस पर ठोकवा दिया जाता है, नीचे वाला, कांटी से ठोकवाया, कील से ठोकवाया जाता है, क्योंकि वो पार्ट जो होता है उसका
नॉन लिविंग होता है, ठीक है, निर्जीव होता है, तो कील जो ठुकवाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है कील ठुकवाता है, यही जो होता है इसका शेप अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया ये आपका एपिडिडाइमिस हो गया, उसके बाद जो ये जो नली है ये आपका हो गया वास डिफरेंस, क्या हो गया। चलिए हम फिगर को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ये नली जो हो गया आपका, ये स्पर्म होते हुए ये हो गया आपका वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये नली से इधर से होते हुए यहाँ पर आ जाएगा, ये है सेमिनल वेसल, ठीक है, सेमिनल वेसल यहाँ पर आती है। उसके बाद जो यहाँ पर ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है दोस्तों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। हम सबके बारे में अभी डीपली से आपको डिफाइन करते हुए चलेंगे, अभी जो है हम आपको फिगर में समझा रहे हैं, फिर जो है डीपली में इसको डिफाइन करते हुए चलेंगे। और ये है आपका यूरिन ब्लैडर, तो यहाँ पर दो जंक्शन हो जाता है, एक इधर वाला, चलिए हम दूसरा कलर लेके दिखाते हैं, एक हो गया आपका यूरिन वाला नली और एक हो गया ये स्पर्म वाला नली, ठीक है। दोनों का इस ज्वाइंट का जो ये जो संरचना है इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में कैसे होता है, ऐसे भी एक नली रहता है, ऐसे ये स्पर्म वाला रहता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, जैसे अक्सर जो है ये सेमिनल वेसिकल वाला जो नली होता है, यानी कि सीमेन जिससे पास होता है, ये वाला ब्लॉकेज होता है, ठीक है। ये वाला जो नली आप यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला ब्लॉकेज रहता है, और यूरिन वाला नली जो है रहता है क्लियर रहता है। और जिस टाइम इजैकुलेशन होने लगता है, ठीक है, जिस टाइम इजैकुलेशन होने लगता है तो ये क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इस नली को ब्लॉकेज कर देता है कि यूरिन इस टाइम नहीं आ सकता है, क्योंकि यूरिन आ जाएगा तो फिर इस नली को क्या करेगा, वो एसिडिक मीडियम बना देगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम जैसे ही होगा तो सारे के सारे स्पर्म डेड कर जाएंगे, इसीलिए एक नली को ब्लॉकेज कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए सबका जो है पूरा डीप में जाके पढ़ते हैं, सबको समझते हैं, है ना। चलिए इस फिगर को जो है हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि बाकी चीज़ समझने में जो है स्पेस बचेगा। ये एपिडिडर्मिस जो होता है फ्रेंड्स, ये 6 मीटर लंबी कुंडलित नली है, ठीक है। क्या है, कुंडलित नली है, ऐसे ऐसे अभी हमने फिगर में आपको दिखाया, चलिए फिर से देख लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं फिगर साइड में रखा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है ये कुंडलित है, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है। अगर इसको सीधा तान दिया जाए, ठीक है, अगर रील में देखिएगा तो आप धागा देखते हैं कि बहुत ही कम स्पेस में लपेट आ रहा था, ठीक है, लेकिन अगर उसकी लंबाई नापिएगा तो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है एपिडिडर्मिस भी रहता है, ठीक है, कुंडलित रहता है, जैसे स्प्रिंग रहता है ना हमारा, या नहीं तो आप मोटर में देखे होंगे कि मोटर में कैसे रहता है, तार गोल गोल घुमाया रहता है, उसे ही कुंडली बोलते हैं। तो कुंडलित आकार में यहाँ पर सेल रहता है जिसे बोलते हैं क्या, एपिडिडाइमिस, ठीक है। चलिए अब फिगर को साइड में रखते हैं और फिर वहाँ पर जो है पूरी की पूरी बात इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 6 मीटर लंबी कुंडलित नली है जो कि घोड़े के नाल के आकार होता है। हम बताए थे कि ये ऐसे होता है, घोड़े के नाल के आकार ऐसे कुंडलित कुंडली बना के रहता है, ऐसे ऐसे चिपटा रहता है, और टेस्टिस के बाहरी किनारे पर चिपका रहता है। टेस्टिस देखते हैं ना, टेस्टिस ऐसे गोल था तो इसी पर ये चिपका हुआ था ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा एपिडिडर्मिस की लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर होती है, और ये क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, क्वाइल्ड लाइक होता है, ठीक है। और अगर इसकी जो है स्ट्रक्चर पूछा जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा, घोड़े के नाल के आकार का होता है, और टेस्टिस के किस साइड में, इनर पार्ट में नहीं रहता, ये आउटर पार्ट में जो रहता है चिपका हुआ रहता है। अब पढ़ते हैं वास डिफरेंस की, तो चलिए फिगर में देखते हैं कि वास डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिगर इसीलिए रखे हैं ना कि आप लोग को फिगर से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। अब ये देखिए, अब यहाँ पर अभी हमारा क्या पढ़े थे हम, एपिडिडर्मिस ख़त्म किए, अब ये वाला जो है ये क्या है, वास डिफरेंस है, क्या है, वास डिफरेंस है, ये वाला नली, ये वाला नली के बारे में आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इस फिगर को फिर हम साइड में करके रख देते हैं। तो ये वास डिफेंस आप लोग देख लिए कहाँ होता है, यह जो है 25 cm लंबी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ठीक है, 25 cm लंबी होती है, तथा इसकी दीवार जो है, इसकी दीवार जो है वो मंसल एवं संकुचनशील होती है, मांस की रहती है, ठीक है, और वो संकुचनशील होते हैं। संकुचनशील को इंग्लिश कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या हुआ, एक बार सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ठीक है, उसी का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल,
ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिए। वास डिफरेंस जो होते हैं वो किस प्रकार के नली होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल नली होते हैं। लेंथ कितनी होती है, 25 cm होती है। ठीक है, दो बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेमिनल वेसल्स को पढ़ते हैं। सेमिनल वेसल्स को भी देख लेते हैं फिगर में हम पहले। ठीक है, फिगर में देख लेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, ये हो गया आपको वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यहाँ पर आता है तो एक यहाँ पर देखते होंगे कि एक संरचना है जो क्या कहलाता है, सेमिनल वेसल्स कहलाता है। चलिए सेमिनल वेसल्स का क्या काम है अब वो देखते हैं। वहाँ पर जो हम आप लोग को लिखे हैं नोट्स, ये इसका बनाते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर आपको बाद में परेशानी होगी, तो नोट्स आप लोग बनाते चलिए। जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाते चलिए। नोट्स तैयार रहेगी तो कभी भी कॉपी पलटिएगा और जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगी आपको तो आप लोग आसानी से जवाब दे दीजिएगा। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं कि सेमिनल वेसल्स के बारे में मैंने क्या बताया आप लोग को। यह एक लंबी मंसल सी थैली के आकार की संरचना है। ठीक है, थैली के आकार का संरचना है जो शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाले पदार्थ, शुक्राणुओं को एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्टिव का हिंदी क्या होता है, सक्रिय। ठीक है, एक्टिव करने वाले पदार्थ को स्रावित करती है यानी कि रिलीज करता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को या केमिकल को रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करते हैं तो वो रिलीज जो करते हैं केमिकल्स, वो केमिकल्स कौन कौन से हैं, पहला है साइट्रेट, दूसरा है फ्रक्टोज और एक है इनोसिटोल। ठीक है, इनोसिटोल, तो ये याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि सेमिनल वेसल्स से कौन कौन से केमिकल्स निकलते हैं, साइट्रेट, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल। ठीक है, ये तीनों के तीनों याद रखनी है अच्छे से। तो समझ लिए आप लोग दोस्तों, सेमिनल वेसल्स जो है वह एक लंबी है, लंबी मंसल थैली आकार की संरचना है। एक लंबी मंसल सी थैली, थैली तो गोलाकार होता है लेकिन ये थोड़ी लंबी है इसीलिए बोला गया एक लंबी मंसल थैली के आकार की संरचना है। ठीक है, जो शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाले पदार्थ को स्रावित करते हैं। चलिए अब जो है बचा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा। चलिए अब फिगर को हम लोग सामने लाते हैं तब प्रोस्टेट ग्लैंड का पूरा पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दो नली दिखाई दे रही होगी, एक तो सेमिनल वेसल्स की तरफ से जो नली आ रही है और एक ये यूरिन ब्लाडर जो है इसके तरफ से नली आ रही है। ठीक है, तो सेमिनल वेसल्स की तरफ से जो नली आती है उससे क्या आता है, हमारा सीमेन आता है। ठीक है, सीमेन आता है और यहाँ से जो है यूरिन ब्लाडर से क्या आता है, यूरिन आता है। और दोनों का जो है यहाँ पर ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन के बाद जो है दोनों एक ही नली से पास होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, जब स्पर्म का आने का टाइम होता है तो यूरिन से जो यूरिन निकलने वाली नली खुली रहती है, अधिकतर समय जो है यूरिन वाला ही नली खुला रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्पर्म का जो है निकलना बहुत ही लिमिट टाइम के लिए होता है। ठीक है, और बहुत ही कम होता है, लेकिन यूरिन का निकलना दिन में 3 बार 4 बार आम बात है, ज़्यादातर समय जो है यही यूरिन वाला नली खुली रहती है। लेकिन जब सीमेन आने लगता है तो ये वाला नली क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक को बोलता है कि अभी तुम रुक जाओ, अभी जो है ट्रैफिक से इधर लाइन क्लियर कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देता है और फिर जो है इधर से सीमेन अपना आ जाता है। सीमेन आते हुए यहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए जो है पेनिस के द्वारा जो है वेजिना में चला जाता है। ठीक है, फीमेल ट्रैक वेजिना में चला जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है स्पर्म जो है गति करता है या अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। तो चलिए प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं जो मैंने आप लोग को बताया है। चलिए इसको साइड कर देते हैं तब तक। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम जानते हैं, मूत्राशय के आधार तल पर स्थित एक गोलाकार, यहाँ पर देखे ना आप लोग ऐसे एक गोलाकार था जिसमें कि एक यूरिन की तरफ से आया हुआ पाइप था और एक सेमिनल वेसल्स की तरफ से आया हुआ पाइप था जिससे कि स्पर्म आती है। गोलाकार स्पंजी ग्रंथि है। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है, गोलाकार है और स्पंजी ग्रंथि है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है अभी हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल का जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उससे हम संबंधित सारी जानकारी जान लिए हैं। पिछले क्लास और आज के क्लास में जो आप लोग को थोड़ा सा चेंज ये लग रहा होगा कि पिछले क्लास में जो हम सारे पार्ट्स का नाम बताए थे कि ये होता है, लेकिन आज के क्लास में जो आपके हर एक पार्ट को जो है अच्छे से डिफाइंड करने का कोशिश की है। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो सभी लोग लाइक वाला बटन दबाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि उनको भी जो है इस टॉपिक से संबंधित सारी नॉलेज और सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को लाइए बायो वर्ल्ड पर जो है फ्री एजुकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।